ताजातरीन खबरों के लिए प्राइम न्यूज 24 को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन का बटन दबाएं। नमस्कार, आप देख रहे हैं प्राइम न्यूज 24, मैं हूं कृतिका। रेडी वालों ने अपने काम को लेकर प्रशासन और सरकार के खिलाफ किया रोष प्रदर्शन। कोरोना महामारी का प्रकोप हर वर्ग झेल रहा है और सरकार की तरफ से लॉकडाउन में कुछ हिदायतों के साथ छूट भी दे रखी है। वहीं अगर बात करें रेडी वालों की, जो रेडी पर सब्जी, फ्रूट और दूसरा सामान लगाकर बेचते हैं और अपने परिवार को पालते हैं, उनको भी अब अपने काम को लेकर परेशानी उठानी पड़ रही है। मामला है जिला गुरदासपुर के बटाला का। यहाँ रेडी वालों ने इकट्ठा होकर गांधी चौक बटाला को जाम कर बटाला प्रशासन के खिलाफ रोष प्रदर्शन किया। ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ, ਮਾੜੇ ਬੰਦੇ ਦਾ ਕਰੋਨਾ ਚੜ ਗਿਆ ਹੈ। ਸ਼ਰਾਬ ਵਾਲੀਆਂ ਦਾ ਕੁੜੀ ਆ ਵੀ ਯਾਰਾਂ ਮੈਂ ਤਾਂ ਖੁੱਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇੱਕੋ ਗਲਾਸੀ 'ਚ ਪੀਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋਨਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। रेडी वालों ने जाम लगाकर जमकर नारेबाजी की और वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना को लेकर जो हिदायतें जारी की गई थी, उसी के मुताबिक हम डेरा रोड पर फ्लाईओवर के नीचे 6 फीट की दूरी बनाकर अपनी रेडियां लगाकर अपना काम कर रहे थे और साथ ही मास्क और सैनिटाइजर का भी पूरा इंतजाम किया हुआ था, लेकिन पुलिस के द्वारा हमें अपना काम करने नहीं दिया जा रहा। लगातार ही हमारी रेडियो को उठवा दिया जाता है। उनका कहना था कि सोशल डिस्टेंस और दूसरी हिदायतें बड़े कारोबार पर तो कहीं दिखाई नहीं देती, लेकिन गरीब तबके के लिए ये सभी हिदायतें ज़बरदस्ती लागू करवाई जाती हैं। उनका कहना था कि अगर प्रशासन हमें अपनी रेडी लगाने की इजाज़त नहीं दे सकता तो फिर हमें कैप्सूल और शराब बेचने की ही इजाज़त दे दे, क्योंकि हमने भी अपने परिवार का पालन पोषण करना है। ਨਾ ਲਾਉਣ ਦਾ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਖਾਸ ਮਕਸਦ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਨੂੰ ਸਰਦਾਰ ਮੁਖਤਿਆਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰੇਹੜੀਆਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ। ਆਪਾਂ ਅੱਜ SDM ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁੱਛਣ ਗਏ ਕਿ ਆਪਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਲਗਾਉਣੀਆਂ, ਕਿਸ ਕਾਰਨ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਰੇਹੜੀਆਂ 11 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੀ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ SDM ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਫੋਨ 'ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ, 5 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 10 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, 15 ਮਿੰਟ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਅੱਧੇ ਘੰਟੇ 'ਚ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਆਪਾਂ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 3 ਵਜੇ ਤੱਕ ਇਹ ਰੇਹੜੀ ਅੱਜੂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਕੁਝ ਖਾਧਾ ਨਾ ਕੁਝ ਪੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਆਪਣੀਆਂ ਦਿਹਾੜੀਆਂ ਵੀ ਭੰਨੀਆਂ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਹੀ ਕਮਾਉਣਾ ਅਤੇ ਉਹ ਹੀ ਖਾਣਾ। ਆਖਿਰ ਗੁੱਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਂਧੀ ਚੌਂਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਬੈਠ ਗਏ ਨੇ ਭਾਜੀ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਆਪਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਰਦਾਰ ਜੋ ਸਰਦਾਰ ਪਰਮਜੀਤ SHO ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਗੱਲ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ, ਹੋਰ ਵੀ ਪ੍ਰੈਸ ਮੀਡੀਆ ਸਾਰੀ ਉੱਥੇ ਆਈ, 6-6 ਫੁੱਟ ਦੀ ਦੂਰੀ 'ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਗਾਓ। ਆਪਾਂ ਜਾ ਕੇ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਆਪਾਂ ਨਿਸ਼ਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਲਾ ਕੇ 6-6 ਫੁੱਟ, 6 ਤੋਂ ਵੀ ਵੱਧ ਹੀ ਹੋਏਗਾ, ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ। ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ 2 ਰੇਹੜੀਆਂ ਲਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀ ਛੁੱਟੀ ਕਰਾ ਦਈਏ, ਆਪਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾ ਲਏ, ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਲਾ ਲਏ, ਇਸ ਤੋਂ ਵੱਧ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਜੇ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ, ਸਾਰਾ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਰੇਹੜੀਆਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਚੜ ਗਿਆ, ਦੁਕਾਨਾਂ ਵਾਲਿਆਂ 'ਤੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਆਮ ਜਨਤਾ, ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਤੁਸੀਂ ਵੇਖਿਆ ਜਾਮ ਲੱਗਾ, ਤੁਸੀਂ ਸਿਟੀ ਰੋਡ 'ਤੇ ਰਹਿੰਦੇ ਜੇ, ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਕਿੰਨਾ ਚਿਰ ਜਾਮ ਲੱਗਾ ਰਿਹਾ, ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਸੋਸ਼ਲ ਡਿਸਟੈਂਸ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਕਾਨੂੰਨ ਸਭ ਲਈ ਬਰਾਬਰ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। वहीं स्थानीय थाना प्रभारी मुख्तार सिंह का कहना था कि कोरोना को देखते हुए सरकार और प्रशासन के द्वारा जो हिदायतें जारी की गई हैं, उसी के मुताबिक सभी कुछ लागू करवाया जा रहा है, फिर भी प्रशासनिक अधिकारियों के ध्यान में रेडी वालों का मसला ला दिया है। आगे जो भी फैसला होगा उसी के हिसाब से कानून लागू करवाया जाएगा। डेरा रोड के पुल के थले अंडर ब्रिज काफ़ी तादाद सब्जी दियाँ फल फ्रूट दियाँ रेहड़ियाँ लगदियाँ और दिन पर दिन उन्होंने गिणती वधदी जाती सी। कल एक्साइज एंड टैक्सेशन अफसर इस एरिए दे सुपरवाइजर श्री शिंदा मसीह इंस्पैक्टर ने वो पुलिस पार्टी के नाल लैके प्रोटैक्शन तौर पर गए थे, सारियां नूं रेहड़ी वालियां नूं फल फ्रूट वालियां नूं वार्निंग दे के आए थे भी ये सोशल डिस्टेंसिंग का बिल्कुल तुसीं ध्यान नहीं रखते, रूल फॉलो नहीं करते। उन्हां दी वार्निंग के बावजूद फिर ये अज कितें गए थे SDM साहब नूं मिलन, उत्थों आए ने, इन्हां ने इत्थे आ के धरना लाया वा, तो बाकी वो तहसीलदार साहब भी आ रहे हैं, सुन लेने इन्हां दी गल की हैगी, जे जे वो प्रशासन के करन लायक होगा जरूर होएगा। ये तो क्लीयर है भी रेहड़ी जी हैगी चल फिर के जरूर सेल कर सकते हर चीज़, कोई मनाही नहीं, बट एक जगह जी फिक्स करके लाइनी वो भी रूल के खिलाफ आ। बाकी आ रहे हैं तहसीलदार साहब, जो प्रशासन दी डायरेक्शन ने वो तो इन्हों फॉलो करनिया पैनिया, हालात के मुताबिक COVID-19 ध्यान रखते हुए सानू फॉलो करनिया और करवाया बहुत जरूरी है।
प्राइम न्यूज 24 के लिए गुरदासपुर से जतिंदर कुंडल की रिपोर्ट।